अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो बर्ड्स मिनी केज का सेटअप है वो आज आप लोग देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत कर दिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी हालत देख रहे हैं आप, सिर्फ पौधे उठा के रखने में हमारी हालत बैठ हो गई। दोस्तों, ये जो पौधे मैं लाया हूँ ये ना नर्सरी से लाया हूँ ना कहीं से, गली में एक अंकल बेचने वाले आते हैं, बड़े प्यारे अंकल हैं, बेचारे काफ़ी ज़हीफ भी हैं, तो उनको हमने रोका, हमसे ये लिए परचेज करें और बहुत अच्छे रेट में उन्होंने दे दिए, नर्सरी वालों के हिसाब से बहुत अच्छे रेट में दिए उन्होंने। तो हमने बोला ले लेते हैं और इनको पूरा सिस्टम आज कर देते हैं। देखिए वहाँ तक तो आ गए, बाकी ऊपर की 3 सीढ़ियाँ दोस्तों रह गई हैं, तो वो सीढ़ियाँ भी जल्दी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं पौधे, मुझे इतना पौधों की मालूमात तो नहीं है, तो ये घर वालों ने ही लिए है। तो दोस्तों, ये तो मुझे पता है रात की रानी है, रात की रानी नहीं, ये रात की रानी है, और ये जो है ये मेरी चमेली आई थिंक शायद। तो मुझे पौधों का इतना कोई वो नहीं पता है, जिनको पता है वो ज़रूर बताएं कि मैंने कौन कौन से रखे हैं। बाकी देखें माशाल्लाह हमारा जो फर्स्ट केज सेटअप है वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार लग रहा है माशाल्लाह से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम पर सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो ये है कि आप ये देखें कि हमारे जो परिंदे हैं ये भी बहुत खुशगवार हो गए हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें दिख रही हैं पौधे वगैरह, तो उससे एक माहौल क्रिएट हो जाता है बर्ड्स के लिए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस वजह से ये लेने भी थे, इन जगह पे भी आ जाएगा 3, फिर हमारा ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है और वो है ऊपर की ये खाना, इसके अंदर हमने इंशाल्लाह जल्दी होमोग्रोमो के पेयर्स ला के डालने हैं और भर देना है, फिर आपके भाई का जो पूरा सेटअप है बर्ड्स मिनी केज का वो तब जाके सेटअप कंप्लीट होगा। लेकिन नो डाउट मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हल्के हल्के करके चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और सब सेट हो जा रहे हैं। कैसे चलें दोस्तों, सबसे पहले इनको दाना डाल देते हैं और फिर अपने पौधों को पानी भी डालते हैं, क्योंकि वो मुझे बोल कर गए अंकल ने बोला था कि इनको फ़ौरन पानी डाल देना, क्योंकि मैं काफ़ी देर से लेके घूम रहा हूँ, तो दिन में एक मरतबा पानी डालते हुए चल जाएंगे। और एक और मेरी ड्यूटी बन गई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। इनका दाना पानी तो कर दिया है, लेकिन आज भला की गर्मी हो रही है, तो आप लोग दुआ करें कि बारिश हो जल्द से, क्योंकि हब से ऐसा हो रहा है कि माने कि बारिश के बिना हब टूटने वाला नहीं है, और मेरी ऐसी कंडीशन हो रही है। क्यों फुरकान, सही बोल रहा हूँ? सही बात है। और आज एक और चीज़, हमारा जो कैमरा मैन है वो फुरकान है, तो ये आज हमारा कैमरा मैन बन कर आया हुआ है। तो दोस्तों खैर माशाल्लाह आप लोग बताएं ना आदमी कमेंट में लिख के कैसा लग रहा है आपको मिनी बर्ड्स केज का सेटअप मेरा, और माशाल्लाह से ये पौधे वौधे रखे हैं मैंने सही कराए ना, मुझे तो दोस्तों की मानो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है, और घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट करी है, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर चलें दोस्तों, इनको तो कर दिया, बाकी इन पौधों को पानी डाल लेते हैं, फिर उनको भी बाहर थोड़ा बहुत खोलना है, उनको भी बोलते हैं जल्दी से आ जाएं, सारे काम निपटा है। तो दोस्तों एक परेशानी बहुत हो गई है हमारे साथ, आज हमने पौधे लिए और आज हमारा पानी नहीं आ रहा, तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया टंकी में, तो भरना पड़ेगा। ये देखें हल्के हल्के करके झटके मार कर आ रहा है, तो मैं फौरन सबसे पहले पानी बंद करता हूँ, इससे पहले कि बचा बुचा पानी भी ना रहे। दोस्तों ये मुसीबत होती रहती है हमारे साथ आए दिन, कभी पानी चले जाता है तो कभी कुछ, और आज ही पौधे लिए हैं और आज ही पानी नहीं था, तो कुछ को तो दे दिया है, वो दो अभी फिर भी रह गए हैं, उस तक भी हमने पहुँचा दिया था थोड़ा बहुत, देखें हल्का फुल्का नीचे से, तो बस ये रह गया है। अब क्या करें, वो दो रह गए हैं और ये सारे तो हो गए, पहले कोई मसला नहीं, उनको कल दे देंगे। लेकिन मैंने आपको बोला था मेरी एक और ड्यूटी बन गई है, वो ये है कि अब इनको धूप में रखना है लाजमी 1 घंटे, तो वो मैं ही रखूँगा, मेरे घर में कोई होता नहीं है और सबसे छोटा और मेरा ही शौक है, तो मुझे ही करना है, तो डेली धूप में इनको 1 घंटे रखना है। तो सबसे पहले मैंने रात में इनको ऊपर रखना है, सुबह की इन्हें धूप मिल जाएगी, तो सुबह उठते मैंने इनको नीचे ला के सेट करना है, फिर यहाँ पे फिर इन्हें पानी वगैरह देना है, बहुत काम सर पे बढ़ जाएंगे यकीन जाने। कहे चलें दोस्तों, आप लोग लाजमी बताएं ये आप लोगों को सेटअप कैसा लग रहा है। फुरकान थोड़ा साइड पर हटना, दिख नहीं रहा माशाल्लाह से, चलें मैं आप लोगों को पूरा सेटअप भी दिखा दूँ, ये देखें, तो ये माशाल्लाह से खूब खूबसूरत और बेहतरीन हो गया है। और बाकी दोस्तों हमारी जो मुर्गियाँ वगैरह हैं उनको हमने खाना दाना पानी सब कर दिया है, पहले ही कर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था टाइम नहीं मिलने वाला है। और एक और चीज़, एक बुरी खबर है दोस्तों, मैं दिखा नहीं पाया, हमारा लास्ट चूजा रह गया था पिंक कलर का,
जो हम सबसे पहले लाए थे 6 चूजे, तो उनमें लास्ट पिंक कलर का रह गया था। मैंने सोचा था कि मैं जल्द आप लोगों को दिखाऊंगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा, सरप्राइज दूंगा, लेकिन वो सरप्राइज ही नहीं रहा। उसका भी दम वैसे ही निकल रहा था, तो मैंने वीडियो बनाने की भी नहीं की, मुझे खुद अजीब सा लग रहा था बहुत। और बड़े दिल से लाया था वो 6 के 6 में, और एक एक करके सारे चले गए। खैर दोस्तों, सीज़न नहीं है तो सीजनेबल चीज़ें रखें आप लोग भी, क्योंकि मैं तो वैसे ही ले आया था, मैंने चलो शौक है मुझे पालना भी था, और वीडियो की स्टार्टिंग में मेरी 19 हो गई थी, तो बस होने वाली चीज़ थी वो तो गए, तो ये बुरी खबर थी कि वो भी चले गए। तो हमारे गंजी मुर्गे, इनका नाम मैंने गंजे मुर्गे रख दिया है, और काले खान इनको भी खिला पिला दिया है, और ये जो हमारे मुर्गियाँ हैं इनको भी, इनके लिए भी दोस्तों हमने एक सेटअप सोचा है जो कि मैं आप लोगों को अभी छत पे चल के दिखाता हूँ, आ जाएं। तो दोस्तों ऊपर जाने से पहले एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो पिंजरा है, आपको याद होगा इधर व्हाइट कलर का मुर्गा था, उसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया उस छोटे वाले पिंजरे में। बाकी यहाँ पे कल इंशाल्लाह एक और चीज़ आने वाली है। अब भाई बोल रहा था मैंने मंगवा ली है, अब देखते हैं वो आती है तो क्या है। उन्होंने बोला था कि तुम्हें बताऊँगा नहीं, वो चीज़ है बस तुम खुद देख लेना क्या है क्या नहीं है। मैंने चलो भाई देखते हैं। वैसे मेरा इतना अंदाज़ा तो है कि मुर्गा है, मुर्गी में से कोई ना कोई एक चीज़ ही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, और होगा लाजमी असील ही। तो ठीक है दोस्तों, तो खैर चलें, मैं इन लोगों का आप लोगों को दिखाऊं सेटअप के ऊपर क्या करने वाला हूं आगे। दोस्तों जो मेन चीज़ थी वो मैं आप लोगों को बता दूं यहां पे। अब हमारा जो सेटअप बन रहा था, मेरा सेटअप बन रहा है, वो ये बन रहा है दोस्तों। ये जगह आप देख रहे हैं हमारी टंकी की, इसके नीचे एक तरपाल बांध के और उसको ले आए यहाँ तक, वो यहाँ तक भी बन गया दोस्तों। उसको इस टेक्निक से बांध देंगे कि उसको जब दिल चाह मोड़ के ऊपर उस तरफ कर दिया और रस्सी से बांध दिया। जब धूप होगी तो मैं सुबह में आके उसको यहाँ लाके नीचे ले आऊँगा, और यहाँ पे जो है मुर्गियों के वो जो एक दड़बा है ऊपर ले आऊँगा, क्योंकि नीचे जो है दोस्तों वो असील हैं ज़्यादा, तो असील घर वाले जो है मना कर रहे हैं ऊपर लाने का। धूप होती है आप लोगों को पता है, मर गए तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। और भाई वगैरह समझा रहे हैं, बोले नहीं बेटा ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। तो मैंने बोला कि नॉर्मल ले आता हूँ, उन्होंने बोला नॉर्मल जो चूज़े हैं मेरे, जो मिस्री जो मैंने बच्चे पाले थे हमारी मुर्गियाँ, उनके साथ अब हम लाएंगे एक मुर्गा, जल्द उनको सरप्राइज़ देंगे और मुर्गा लाके उनके साथ छोड़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है दोस्तों, जो मैंने बोला आप लोगों से शेयर करूँ, और ये काम भी आज या कल में इंशाल्लाह हम कर देंगे, मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगा वीडियो में। तो दोस्तों इनका दाना पानी भी कर दिया, माशाल्लाह से छत हमारी बहुत बड़ी है, और मैं चाहूँ ये अच्छा खासा सेटअप कर सकता हूँ, पर एक चीज़ की प्रॉब्लम है दोस्तों। सीधी बात यह है कि जो करना चाहता हूँ मैं खुद करना चाहता हूँ, और जाहिर सी बात है भाई वगैरह सब जॉब पे होते हैं, और मैं अपना खुद करना चाहता हूँ। जो है मेरा जितना मेरे पास है उतना मैंने अपना कर दिया है, अब इंशाल्लाह हल्के करके बढ़ाएंगे, तो सपोर्ट करें। जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो बस मेरे को ये है कि सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं इस पूरी जगह को ना अपना ज़ू बना दूंगा छत को। बाकी आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।